हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज के इस वीडियो अंदर आप सभी को मैं बताने वाला हूँ 2023 के अंदर क्लासिक 350 लेने के पांच ऐसे रीजन जिनको आप सुन लोगे तो आप यहाँ पे 2023 में दो क्लासिक 350 ले सकते हो। तो कुछ ऐसे ही अपने खुद के पर्सनल आपको रिव्यू बताऊंगा, इस गाड़ी के कुछ अच्छे रीजन बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं, बिना टाइम वेस्ट करते हो तो वीडियो को आप पूरा देख लेना। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक अपने छोटे भाई के वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देना, और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर कर देना। और अगर आपको वीडियो पसंद आता तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं ऐसे कौन से वो रीजन है जिनकी वजह से आप 2023 में क्लासिक 350 ले सकते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट की बात करेंगे गाड़ी के, यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट की मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, तो आप वो वीडियो देखना चाहते हो चैनल पर जाके देख सकते हैं। मैंने अपना माइलेज टेस्ट वीडियो भी बनाया इस गाड़ी का, ये कितना माइलेज दे रही है 1 लीटर के अंदर, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो मैं आपको आई बटन और यहाँ पे आई कार्ड के अंदर लिंक दे दूंगा, तो यहाँ पे आप वो वीडियो भी देख लेना ताकि आपको पता चल जाए क्लासिक 350 कितना माइलेज दे रही है। चलिए अभी हम अपने टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं कौन से वो पॉइंट है। पहले पॉइंट की बात करें वो है इसका डिजाइन। डिजाइन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक इसका डिजाइन बनाया है। अगर आपको डिजाइन से रिलेटेड रॉयल एनफील्ड की कोई बाइक लेनी है, आप कन्फ्यूज है मैं स्टैंडर्ड लूँ या फिर क्लासिक लूँ, अगर आपको लुकिंग वाइज गाड़ी चाहिए तो आप यहाँ पे ये वाली गाड़ी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर आपको फीचर्स ज़्यादा मिलेंगे, साथ में इसका लुक भी मतलब डेंजर लुक है, मतलब बहुत ज़्यादा रॉयल एनफील्ड है क्लासिक के अंदर, मतलब अच्छे अच्छे फीचर दे रखे हैं। तो अगर आपको लुकिंग वाइज गाड़ी चाहिए तो आप यहाँ पे क्लासिक 350 को कंसिडर कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत बढ़िया सच में गाइस, जिसका पूरी मेटल बॉडी से बनी हुई है गाड़ी, मतलब बहुत ज़्यादा मजबूत है। इस गाड़ी का वेट चला जाता जब आप इसके टैंक को फुल करवाओगे, लगभग ये चली जाएगी आपकी 200 केजी के करीब। जब आप इसका टैंक पूरा खाली हो जाएगा तब इसका वजन रहेगा 195 केजी, तो जब आप इसका फ्यूल फुल करवा दोगे तो ये 200 केजी चली जाएगी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी गाड़ी है, अगर आपको अच्छी मतलब बिल्ड क्वालिटी वाली गाड़ी चाहिए तो ये आपके बेस्ट चॉइस है। अभी हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, वो है आप सभी बहुत सारे भाई लोगों को चाहिए कि मुझे मतलब एक तरह का रुतबा जम जाए, गाड़ी को कहीं लेके जाए सब लोग देखे, एक पब्लिक रिएक्शन अच्छा हो, तो यहाँ पे यह गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि इस गाड़ी का पब्लिक रिएक्शन बहुत बढ़िया है। जब आप इसको पब्लिक में लेके निकलोगे तो आप इसको कहीं पे स्टैंड लगा के खड़ी भी कर दोगे ना, तो लोग एक ना एक बार आपकी गाड़ी को खड़ी खड़ी को भी देखेंगे, तो इसके पब्लिक रिएक्शन बहुत बढ़िया। जब भी आप कहीं पे खड़ी करोगे तो मतलब लोग पिक वगैरह क्लिक करने के लिए आएंगे, मतलब फोटो वगैरह खींचेंगे, मतलब इसका पब्लिक रिएक्शन बहुत बढ़िया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको चाहिए यहाँ पे जैसे कि गाड़ी मतलब आपको साइलेंसर चेंज ना करवाना पड़े, तो यहाँ पे क्लासिक 350 का अभी जैसे कि मार्केट के अंदर यहाँ पे E20 मॉडल भी आ गया अभी, जैसे कि ये मैंने गाड़ी ली थी 2023 के स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे इस वाली गाड़ी का जो आगे का बम्पर है ना वो क्रोम के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन अभी एक न्यू मॉडल आया आपको पता हो तो अभी आप शोरूम पे जाके चेक करना, उसके अंदर आपका जो आगे का बम्पर लगा हुआ गाड़ी का ये पूरा ब्लैक है, यहाँ पे कोई भी क्रोम पार्ट का यूज नहीं हुआ है, तो यहाँ पे पूरी मतलब क्रोम नहीं है, बिल्कुल भी क्रोम का पार्ट नहीं है, जहाँ पे भी क्रोम है इसके अंदर, लेकिन वो वाला अभी एक न्यू मॉडल आया उसमें ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ जहाँ पे क्रोम होता था वहाँ पे पूरी गाड़ी को ब्लैक कर दिया है। तो यहाँ पे उस वाली गाड़ी का डिजिटल मीटर भी चेंज हुआ, तो आप यहाँ पे एक बार जाके शोरूम पे उस वाले मॉडल को भी देख लेना, क्योंकि इनका स्टॉक साइलेंसर की आवाज़ भी बहुत बढ़िया, आपको बाहर से थर्ड पार्टी साइलेंसर चेंज करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैंने तो अभी तक चेंज नहीं करवाया है, गाड़ी को लगभग 10 महीने होने वाले हैं, बहुत जल्द 10 मंथ ओनरशिप रिव्यू वीडियो भी आने वाला, तो आप चैनल पर जुड़े रहो। अभी हम बात करते हैं गाड़ी के लास्ट एंड चौथे पाँचे पॉइंट की बात करें, वो है इस गाड़ी का माइलेज। अगर आप मतलब 250,000 या फिर 260,000-270,000 रुपये के बजट में एक अच्छी गाड़ी देख रहे हैं तो यहाँ पे ये आपकी बेस्ट चॉइस है, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर आपको 350 cc का इंजन देखने को मिल जाता है, गाड़ी बहुत बढ़िया पावरफुल गाड़ी है और यह आपको गाइस बहुत अच्छा माइलेज निकाल के देती है। मैंने ऑलरेडी माइलेज टेस्ट वीडियो बनाया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप उस वीडियो को देख ले ताकि आपके बहुत सारे मन में जो भी डाउट है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। अभी यहाँ पे मैंने इसके बहुत सारे अच्छी पॉइंट भी है, लेकिन बहुत सारे इसके नेगेटिव पॉइंट भी है, उससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाया है, तो आप वो वीडियो भी देख लेना। उसके बाद यहाँ पे इस गाड़ी का मुझे एक बहुत बढ़िया बात लगी, वो इसका ट्यूबलेस टायर। इसके ट्यूबलेस टायर बहुत ही अच्छी क्वालिटी के गाड़ी ने बनाए हैं, तो ट्यूबलेस टायर मैंने बहुत बार गाड़ी सिर्फ मेरी 10 महीने के अंदर सिर्फ एक बार यहाँ पे आगे का टायर यहाँ पे एक बार पंचर हुआ था, वो भी मतलब कील घुसने के कारण, छोटे मोटे कांटों से कुछ नहीं होगा, ये जब जब बड़ा कोई मतलब
कील वगैरह घुसेगी तभी पंचर होगा। कील घुस भी जाने के बाद यह 1 से 2 किलोमीटर चल जाएगी आसानी, क्योंकि इसके अंदर ट्यूबलेस टायर लिए गए और अलॉय व्हील मिल जाती है। और एक लास्ट पॉइंट आपको बता देना चाहता हूँ, इसके ब्रेक बहुत बढ़िया आपको यहाँ पे दोनों साइड डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से आपको गाड़ी चलाने में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। आपको ड्यूल चैनल ABS का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप जब गाड़ी को अगर 100 से प्लस भी स्पीड पे चला रहे हो, अचानक आप ब्रेक भी लगा दोगे ना, तो आपकी गाड़ी स्कीड नहीं करेगी। मतलब आप किसी कीचड़ वाले रास्ते पे गाड़ी को चला रहे हो, अचानक आपने ब्रेक लगा दिया, तो गाड़ी मतलब गिरेगी नहीं और आपको आराम से रोक देगी। बहुत स्टेबल है गाड़ी, तो यहाँ पे आपको ब्रेक से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने आप जितना हो सके उतने आपको अच्छे पॉइंट बताए गाड़ी के। अगर कोई पॉइंट रह गया वो अगर आपको पता तो आप कमेंट करके बता सकते हो, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप ये भी कमेंट करके बता देना। तो चलिए दोस्तों, आपसे मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय दोस्तों, वंदे मातरम। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो रोज आती है। तो मुझे आपसे यही चाहिए, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। तो जय हिंद जय जवान, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।